घर पर स्वादिष्ट हलवा बनाने की रेसिपी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रवा, बेसन और थोड़ा आटा। रवा ज़्यादा लेना है और आटा और बेसन थोड़ा कम लेना है। उनको सूखे पहले गैस पे भूनना है। उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा भून जाए तो उसमें घी मिला के फिर उसके बाद उसको भूनना है। जब वो अच्छे तरह से उसमें रंग आ जाए और लगे कि घी इसमें थोड़ा सा कम है तो घी थोड़ा सा और ज़्यादा डाल देना है। फिर जब तक भूनते रहना, जब तक इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा भूरा भूरा ना हो जाए। इसको आप देख सकते हैं ऐसे भूनते रहना। अब ये कलर इसका आ गया है, देखो ये कलर जो है अब भूरा भूरा कलर हो गया। अब इसमें क्या है, पानी मिलाना है। पानी आपको अंदाज़ा देखना है कि उसमें कितना डल जाएगा, और साथ साथ इसमें चीनी और किशमिश भी मिला देनी है। इनको मिला के तीनों को अच्छे से मैश कर देना है। पानी की ज़रूरत लगे तो एक साथ स्टार्टिंग में ज़्यादा ना डाल के बाद में आप डाल सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से पानी को मिक्स करना है, और थोड़ा सा आप इसमें हल्का सा दूध भी डाल सकते हैं। अगर इसका कलर आपको डार्क लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें दूध भी ला सकते हैं, जिससे इसका कलर जो है वो अच्छा आ जाएगा। ये अच्छे से इसको फिर मिक्स कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब ये नीचे से थोड़ी थोड़ी सी साइड्स में थोड़ा हल्का हल्का से इसमें घी डाल देना, जिससे तली छोड़ देगा। और ये देखिए आप, इसने हलवे ने तली तली छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये पक्के तैयार हो गया। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बड़ा ही लाजवाब हलवा जो है घर पे तैयार हो गया है। और खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।